बकाया मानदेय भुगतान के साथ विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में सहिया दूसरे दिन भी सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठी रही। साथ ही बकाया मानदेय भुगतान करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। वहीं धरने पर बैठी सहिया ने कहा कि 8 महीने से हमारा मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहियाओं को भुगतान कर दिया गया है। साथ ही हमारी मांगे है कि पिछले 5 साल से जो सहिया साथी बैठी है उनकी वापसी हो और न्यूनतम वेतन के तहत सहिया का मानदेय तय किया जाए। इस वजह से सभी सहिया बहने धरने पर बैठी हैं। जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा इसी प्रकार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग कल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हमारा मांग है सहिया का 8 महीना से बकाया मानदेय नहीं दिया गया है। प्रोत्साहन राशि भी रुका हुआ है। वो सब जल्द से जल्द हम लोग को मिलना चाहिए, जो कि एकदम यहाँ से साफ बोला जाता है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर हमसे काम क्यों लेते हैं। 1 तारीख से ही धरना का आयोजन किए हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना। हमारे विभिन्न मांगे हैं, जैसे सहिया साथी की वापसी, जो 5 साल से बैठी गई सहिया साथी है उनकी वापसी, उसके साथ सहिया का मानदेय वृद्धि। कम से कम सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हमारा न्यूनतम मजदूरी के समान वेतन हो। हमारी ये जायज डिमांड है। और जितनी भी बकाया राशि है, चाहे COVID-19 का हो, कुष्ठ हो, TB हो, मलेरिया हो, ये सारा का समय पर भुगतान किया जाए। अनलिमिटेड भुगतान होता है, जब मन तब ये पैसा दिए, जब मन तब नहीं दिए, ये नहीं होनी चाहिए। और सबकी मनमानी जो भेदभाव कर रहे हैं ये लोग, ये नारे से ये सब इनका बंद करना होगा। मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ धरना पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे 8 माह से हम लोगों का भुगतान नहीं दिया गया है।